नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अपने किलों की विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर के किले, जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जो भारत के ऐतिहासिक स्मारकों में भी शामिल माना जाता है। हम आज बात कर रहे हैं जयगढ़ के किले की। तो जयगढ़ किले की निर्माण की बात करें तो इसे राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था और जयपुर शहर को सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। मूल रूप से आमेर किले की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था और जयगढ़ किले की वास्तुकला आमेर किले के समान ही मानी जाती है। किले को दिया जाने वाला जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम जिससे इस किले को जाना जाता है, तो वो है विजय किला। जी हाँ, किले के निर्माण की तरफ अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच लाल रेत के पत्थरों का उपयोग करके बनवाया गया था। यह भारत के गुलाबी शहर जयपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किला है। यह किला राजा और शाही परिवार के लिए एक आवासीय स्थान के रूप में प्रारंभ में बनवाया गया था, परंतु बाद में इस किले का इस्तेमाल हथियारों को रखने के लिए शस्त्रागार के रूप में किया जाने लगा। वहीं अगर किले के प्रवेश की बात करें तो जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील का टीला नामक पहाड़ी पर बनाया गया था। इस किले में दो प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें टोंगर दरवाजा और अवानी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो क्रमशः दक्षिण और पूर्व दिशाओं पर स्थित हैं और किले में स्थित सागर तालाब में पानी को इकट्ठा करने की उचित व्यवस्था उस समय की गई थी। किले का निर्माण सेना की सेवा के उद्देश्य से किया गया था, जिसकी दीवारें लगभग 3 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो इस किले की विशालता का वर्णन खुद ब खुद करता है। किले के सबसे उचले स्तर शीर्ष पर एक विशाल तोप रखी गई है, जिसे जयबैन कहा जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस तोप का वजन लगभग 50 टन है और इस तोप में 8 मीटर लंबे बैरल रखने की सुविधा है, जो दुनिया भर में पाई जाने वाले तोपों के बीच सबसे प्रसिद्ध तोप मानी जाती है। किले के सबसे ऊंचे पॉइंट पर दिया बुर्ज है, जो 7 मंजिले के ऊपर स्थित है। यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है, जो इस किले की एक अद्भुत महत्ता को प्रदर्शित करता है। लोक कथाओं के अनुसार अगर माना जाए तो शासकों ने किले की मिट्टी में एक विशाल खजाना दफनाया हुआ था और जिसे लेकर के कई बार खोजें हो चुकी हैं। हालांकि आज तक यह खजाना कभी मिला नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक में राजस्थान की सरकार ने खजाना खोजा था और इंदिरा गांधी सरकार में भी इस पर प्रयास हुए। और भले ही यह कहा जा रहा हो कि खजाना नहीं मिला, लेकिन 1970 के दशक में इंदिरा सरकार के द्वारा खोजबीन के बाद जो सामान बरामद किया गया था और उसे जिस तरीके से दिल्ली भेजा गया था, वह अपने पीछे कई सवालों को छोड़ जाता है। तो ये थी राजस्थान के एक मशहूर किले, जिसका निर्माण आमेर किले के समान ही वास्तुकला से निर्मित है, जयगढ़ के प्रसिद्ध किले की, जो जयपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे ही किसी दूसरे किले का सफर हम करेंगे अपने इसी सीरीज के अगले अंक में। तब तक के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।